बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू डीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया हाई कमीशन की कि उन्होंने कनाडा से क्या रिक्वेस्ट की है, साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों कनाडा के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की। कल की वीडियो बनाने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि क्या सर विजिटर्स जो हैं वो कनाडा जा पाएंगे और जिनके केसेस पेंडिंग के अंदर है उनका कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिया हाई कमीशन की। दोस्तों इंडिया हाई कमीशन ने कनाडा से रिक्वेस्ट की है कि 21 जुलाई से जो है इंडिया पर जो बैन लगाया गया है वो एक्सपायर हो रहा है, तो उसको मजीद एक्सटेंड ना किया जाए। इंडिया हाई कमीशन का कहना है कि पहले जब केसेस इंक्रीज हो रहे थे तब कनाडा ने इंडिया को बैन किया था तो वो सही था, लेकिन अब जो है वो केसेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, जिसको देखते हुए कनाडा को अब इंडिया पर से बैन हटा देना चाहिए क्योंकि इस बैन की वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब कनाडा नॉन असेंशियल ट्रेवलर्स को अलाउ करेगा तो उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। अब ये रिक्वेस्ट तो दोस्तों कल की गई थी इंडिया हाई कमीशन की तरफ से, लेकिन आज फिर से इंडिया हाई कमीशन की तरफ से कनाडा से कहा गया कि 33,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मुश्किल में हैं क्योंकि उन्होंने सेप्टेम्बर इनटेक ज्वाइन करना है और इस टाइम के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग काफी ज्यादा स्लो है। स्टूडेंट्स के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को जनवरी इनटेक का सजेशन दे रही हैं, जिसको देखते हुए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं। तो कनाडा को चाहिए कि वो अपनी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट करे ताकि जो स्टूडेंट्स सेप्टेम्बर इनटेक ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर पाए। अब दोस्तों देखा जाए तो इसके ऊपर कनाडा IRCC की तरफ से अब तक कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला, लेकिन उम्मीद यही है कि जब भी रिप्लाई आएगा तो पॉजिटिव आंसर ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कनाडा के बॉर्डर्स रीओपनिंग की। दोस्तों फाइनली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना सेकंड फेज बहुत जल्द ओपन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो हैं वो कनाडा आ पाएंगे। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि 15 अगस्त से अमेरिकन के लिए बॉर्डर्स ओपन किए जा रहे हैं। अब नॉन असेंशियल ट्रेवलर्स जो हैं वो अमेरिका से कनाडा ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बाकी कंट्रीज के लिए भी मंथ ऑफ सितंबर का अनाउंस कर दिया है। अब चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो, कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो दोस्तों, तो आप मंथ ऑफ सितंबर से कनाडा ट्रेवल कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कौन कौन लोग जा पाएंगे, तो दोस्तों जितने भी लोग नॉन असेंशियल ट्रेवलर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सब के सब ट्रेवल कर पाएंगे। अब चाहे आप विजिटर हो, वर्क परमिट होल्डर हो या फिर स्टूडेंट्स हो, तमाम कैटेगरीज जो है वो मंथ ऑफ सितंबर से कनाडा ट्रेवल कर सकेंगी। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें पेंडिंग केसेस की, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के तो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मजीद इंडिया हाई कमीशन ने भी रिक्वेस्ट कर दी है तो इंडिया के स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट मजीद जो है वो तेजी से आ सकते हैं। अगर अब हम बात करें दोस्तों वर्क परमिट होल्डर्स की और फैमिली क्लास वालों की, तो दोस्तों उनके रिजल्ट्स भी जो है वो मंथ की लास्ट तक या फिर आने वाले मंथ के अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे अभी भी आ रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है उनकी। अगर हम बात करें दोस्तों विजिटर्स की, क्योंकि विजिटर्स का अब तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे आने वाले दिनों में 1 से 2 माह के अंदर अंदर उनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और जब रिजल्ट आना शुरू होंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो विजिटर्स भी जो हैं दोस्तों सेप्टेम्बर तक कनाडा ट्रेवल कर पाएंगे, चाहे आपके पास वीजा मौजूद हो या ना मौजूद हो, क्योंकि आपके पेंडिंग केसेस भी जो हैं वो सितंबर की स्टार्टिंग तक जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।